हेलो फ्रेंड, मैं अमी सुमित की मम्मी बोल रही हूँ। साथ में हमारा दोता है सिद्धार्थ। हमें कभी साल में 6 महीने में इन्हों को घुमाने के लिए लेके आ जाते। अब की बात, 1 महीने में हमारे 2 चक्कर लगे, एक गोवा का, एक नैनीताल का, एक ऋषिकेश। फुल एडवेंचर दोस्तों। ये नैनीताल में बादल बिल्कुल आपके सामने आपको दिख जाएंगे। देखो कितना प्यारा, देखो व्यू है यहाँ पे। ये सारे बादल देखो फ्रेंड्स, बादल है। मैं इस टाइम नैनीताल में हूँ। मॉर्निंग गाइस, आज की एक नई सुबह अपनी नैनीताल के अंदर। तो ये है अपने नैनीताल के आज होटल का व्यू, बहुत अच्छा और बेहतरीन व्यू है। तो ये है अपने होटल के पीछे का व्यू, बहुत शानदार व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आई होप कि अगली बार से मैं आपको ड्रोन के शॉट दिखाऊं अपनी वीडियो के अंदर। तो देखेंगे अगली बार से कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करेंगे कि ड्रोन लेकर आएंगे ड्रोन के शॉट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, करेंगे उसको भी जुगाड़ करेंगे ड्रोन का, और उसके बाद एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बैग दिखलवाएंगे, और उसमें फिर मैं आपको अपने मोटो व्लॉग दिखाऊंगा गाइस। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा यूट्यूब, हम भी डिसलाइक कर देंगे चैनल आपका, जल्दी करो। और मेरा यूट्यूब चैनल नेम है जील फॉर एवर, जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्लीज, मेरी ऑल वीडियो सब्सक्राइब करें। मेरे गोवा वाले लास्ट ब्लॉग देखिए, और मैंने अपने गोवा वाले ब्लॉग में ही आपको मैंने बताया था कि मैं अपना नेक्स्ट टूर जो है उत्तराखंड का करूँगा, ऋषिकेश का करूँगा, और अब मैं फाइनली नैनीताल में आज आ गया हूँ। तो ये देखिए, मंकी आज आया है, शॉप के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत इन्जॉय कर रहा है अभी बारिश का। और आप देखो गाइस, यहाँ पे सुबह से आज बारिश हो रही है नैनीताल में। तो सुबह से ही हम पूरी रात ड्राइव करके ऋषिकेश से और नैनीताल आए हैं, और देखिए सुबह से ही बारिश हो रही है अभी। तो अभी जब मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, बारिश रुकेगी, फिर हम जाएंगे आपको अपना एडवेंचर का सेकेंड वे दिखाएंगे इसमें। और अब हम गाइस नैनी लेक जाएंगे, वहाँ पे जाके हम बोटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे नैनी मंदिर, वहाँ हम थोड़े आज माता रानी के दर्शन करेंगे और आपको अच्छी अच्छी फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जील फॉर एवर। और मेरा मानना ये है कि जब भी कभी आप कभी ऐसे किसी टूरिज्म प्लेस पे जाओ, तो वहाँ पे आप किसी ना किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके जरूर अरदास करो, मत्था टेको, वहाँ प्रसाद चढ़ाओ। इससे होता क्या है कि आपके सफर में कोई पूरी नेगेटिविटी नहीं आती गाइस। कोई भी अगर आपको आपके लिए बुरा सोच रहा है या बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कर नहीं पाता। तो मेरा ये गाइस मानना है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने अपने सफर के अंदर हम अपने भगवान को जो याद करते हैं, और मेरा मानना ये है कि सारे भगवान एक है। तो गाइस, आप सबको मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कभी कहीं घूमने जाओ तो आप भगवान के दर्शन जरूर करें। तो अब हम जा रहे हैं गाइस नैनी लेक, वहाँ पर जाके हम बोटिंग करेंगे, और वहाँ पे भी जाके हम पहाड़ों में एंजॉय करने वाले हैं नैनीताल का। तो कल पूरी रात का सफ़र हमने जो है हमने अपना गाड़ी में तय किया, हम ऋषिकेश से नैनीताल आए, और हमें इसी पूरी रात मतलब हमें लगी, हमने 7 घंटे का सफ़र किया गाड़ी में। हम सुबह 6 बजे नैनी पहुँचे। तो आपको तो गाइस, आई होप के बहुत जल्दी आपको मेरे भाई का भी एक यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ना, चलो चलो चलो।
ये है गाइस अपना बोटिंग प्लेस नैनीताल के अंदर। एंजॉय करेंगे आज यहाँ पे। क्राउड देखो कितना अच्छा क्राउड है यहाँ पे नैनी लेक का। और ये आपके उल्टे हाथ पे नैनी लेक है और ये पूरी मार्केट है नैनी लेक की। देखो कितनी भरी हुई है। ऑसम व्यू, बहुत मज़ा आएगा देख के आपको। ये देखो यहाँ पे मंदिर इस साइड पे और यहाँ पे है आपका भीड़ क्राउड, आप देख सकते हो मेरी वीडियो के अंदर। और ये है आपका नैनी लेक यहाँ पे। आपको और जूम करके दिखाता हूँ आपको, अच्छा लगेगा व्यू यहाँ का। ये देखिए तुम इधर देख, हम धूप में बैठे दोनों, कूल वेदर बिल्कुल जिसे बोलते हैं। और यहाँ ठंड भी इतनी है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ के नैनीताल का। तो जब भी आपको भी यहाँ पर आओ तो नैनी लेक जरूर आना और बोटिंग करना यहाँ पे। बोटिंग ना सीखो, इवन यहाँ पे पानी का एंजॉयमेंट करना। एक मिनट और है, सुन बताओ, आ जाओ आ जाओ। ये हम अपनी नैनी लेक के चेकअप पे आ गए, आ जाओ आ जाओ। इसीलिए हम घूमने आते हैं और इसलिए ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को भी एंटरटेन करते हैं, ताकि आप लोग हमें सब्सक्राइब करो। मैडम यही है, आप हाँ जी, आप दो बड़े दो बच्चे के हो जाइए, तीन बड़ा एक बच्चे के हो जाइए। ठीक है, ये दो बड़े दो बच्चे मेरे साथ, तीन बड़े दो बच्चे सेलेक्ट क्या करने हैं आप, दो आपके साथ दो बच्चे आ जाएंगे। जा, ये भी आ जाएंगे, चलो ठीक है, इतने लोग आ जाएंगे, आप तीन एक में ले जाओ। ठीक है, मैं बनाते रहे चलो। दूसरी बोट कहाँ पर है, चलो चलो चल बाबा, मम्मी चल चल कमेटे, मम्मी आओ, असि दूसरी बोट तो ताजी है, जाओ। हेलो गाइस, आ जाओ बेटे, आ जाओ, मम्मी दादा नहीं आ रहे बेटे। मम्मी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। भैया बोर्डिंग जाओगे? होगी भैया, अभी जा रहे हैं सीधे बैठ जाओ। तू किधर? मम्मी मेरा हाथ पड़ो, मेरा हाथ पड़ो, उतरना थल्ले तुम्हें बच्चा बच्चे। ओ इधर आओ, इधर उधर जाना ना, मैंने पता हो देख लिया। चलो ठीक है, छोड़ ना, हां छोड़ दो, चलो वो थल्ले। अरे कहाँ गए? और दूसरा वाला कहाँ वो? सुमित बैठ गया बोटिंग के अंदर, थोड़ी भी आगे कर ले और किसी और आगे कर ले, थोड़ी सी और आगे कर लो भैया। देखो बहुत प्यारा है, एटमोसफेयर है यहाँ पे, दूर तक देखो के पानी ही पानी है। नैनी लेक का मजा लेते हुए हम सारे, हमारी फैमिली, हम लोग। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू माय पेरेंट्स। और प्लीज़ सब अपनी वीडियो, सब हमारी वीडियो को प्यार दो, हमारी वीडियो सब हर कोई देखे और एंजॉय करे।
और होप सो कि आप लोग भी यहाँ घूमने आओ हमारी तरह। एडवेंचर है, एडवेंचर ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ अपनी झील में, और बहुत ही चीप कॉस्टिंग के अंदर आपको ये बोट मिल जाएगी। 160 रुपये के अंदर आपको ये बोट, दोस्तों 210 रुपये में आप ये बोट बुक कर सकते हो और अपनी लेक का मज़ा ले सकते हो। ये नैनी लेक इसको बोलते हैं। ये देखो मैं आराम से बैठा इंजॉय कर रहा हूँ, तो आप सब भी देखिए। नैनीताल के पहाड़ है और बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे। अगर आप देखो किधर है ने? भाई मार आन सही मेरे को से आन एकदम। कितना फुट हो गया? 10 फुट। नहीं नहीं, 120 फुट है क्या? 120 फीट। हाँ, 120 फीट। तो देखो दोस्तों, इस जो ये पानी है इसकी गहराई 120 फुट की है। तो समझो, आप सोचो अगर कोई बंदा इस पानी में गिरता है, या कोई कैमरा या कोई गोप्रो या कोई ड्रोन अगर इस पानी में गिरेगा, तो सोचो वो कहाँ जाएगा। मिलने का तो देखो है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। और वैसे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। अगर आप लोग यहाँ अगर अपने बच्चों के साथ में आते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों का हाथ ना छोड़े सबसे पहले, तो आप एंजॉयमेंट रखें पूरा, बच्चों को भी खुश रखें। गाइस देखो धूप आ गई है, मैं आपको धूप दिखाता हूँ। ये देखो सूरज देव तो आपको दिख रहे होंगे, ये धूप में देखो कितना अच्छा जाकर लग रहा है। देखो ये नदी लेक में घूम रहे हैं हम, नींद आ रही है। ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल सनसेट यार, ऑसम। जी आपको कैसा लग रहा है इस लेक में आके, दिल्ली से नैनीताल के? उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतने पहाड़ों में नैनी लेक में बोटिंग करते हुए, हवा भी इतनी ठंडी चल रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? धूप भी निकली हुई है, बहुत मजा भी। आप देख सकते होंगे कि धूप कैसे हमारे फेस को किस कर रही है, डर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। डरना भी बहुत जरूरी है ऐसे मौसम में, और मेरा मानना है कि डर के आगे जीता, और मेरे भाई का भी यही मानना है कि डर के आगे जीता है। साल में 6 महीने में इनको घुमाने के लिए लेके आ जाते हैं। अब की बात, 1 महीने में हमारे 2 चक्कर लगे, एक गोवा का, एक नैनीताल का, एक ऋषिकेश नैनीताल एक ही है। और हमने 2 बार अपनी डोमेस्टिक ट्रिप लगाई है। गोवा की ट्रिप तो आपने देखी हुई है, अगर नहीं देखी है तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप सब देखना। वो भी बड़ा बहुत अच्छा एडवेंचर वाला हमने वीडियो अपना ब्लॉग बनाया है, ताकि आप लोगों को एंजॉयमेंट मिले, आप लोगों को इंटरेस्ट मिले हमारी वीडियो में। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको हमारा ब्लॉग? ये मेरा नैनीताल का ट्रिप है। शानदार व्यू है। बस 10 मिनट रहते हैं ना, टाइम
तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो इस वीडियो के अंदर। ये मेरा सेकंड ऐसा एडवेंचरिंग व्लॉग है जिसको मैं लाइव करूँगा एज अ पब्लिकली और आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ गाइस आप सब भी मेरी इज्जत रखना और मुझे भरपूर ढेर सारा प्यार देना, व्यूज़ देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे। हम शॉपिंग करते हुए अपने पापा के लिए टी शर्ट ले रहे हैं और कुछ ये आइटम देखिए। हाय गाइस, ये दे दो ऐसे नहीं को यार। नहीं नहीं थैली बैग देगा मिली है कितना प्यारा। देखो जैगवार देखो बनाया हुआ ये देखिए। ऑसम यार, और बहुत अच्छी चीज देखो इसमें यहाँ के साथ इनके आइटम है। छटना ही तो आप इस मार्केट में जो आना गाइज थोड़ी सी महंगी है, आपको बार्गेनिंग जो करनी पड़ेगी लोगों से। इवन अगर 150 भी बोला तो आप 100 बोल सकते हो उसको। तो देखो कितनी ज़्यादा अच्छी मार्केट है। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, उसके बाद हम एग खाएंगे। ये हमारे भैया है, ध्यान से देखिए इन भैया को, जो भी यहाँ पर आए इनके हाथ में मैगी जूस खाए, बहुत टेस्टी बनाते हैं। नैनीताल में रहते हैं, बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने, नैनीताल के गुरुद्वारे के सामने जो है इनकी रेडी है। और होप सो के नेक्स्ट टाइम जब हम आप या हम आए तो इनकी खुद की दुकान है यहाँ पे। दोस्तों भैया ने बिल्कुल स्केच आर्टिस्ट बना दिया बेटे की शक्ल जैसा। क्या बात है भैया, वेल डन, बहुत अच्छा बना रहे हो। बहुत अच्छा व्यू है, शाम के बज रहे हैं 7। देखो गाइस ठंड यहाँ बढ़ती जा रही है। मम्मी तो सारे खड़े हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत थक गए आज, नैनीताल, उत्तराखंड, ऋषिकेश, सब कुछ घूम के बहुत अच्छा लगा, एडवेंचर किया, बहुत अच्छे अच्छे हमने शॉट्स लिए हैं, फ़ोटोज़ लिए हैं, ब्लॉग की वीडियो बनाई हैं। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं किसी ऐसे अच्छे ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, बाय, गुड नाइट। A few moments later. छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो और एंजॉय करो, फील करो, रील करो, फील करो। अब हम जा रहे हैं नैनीताल से वापस दिल्ली, तो बीच में थोड़ा सा रुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आपके। देखो कितना प्यारा हुआ है, और देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा लेक है मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे। इस लेक के अंदर ना एक मतलब सर्कल बोट टाइप है जिसके अंदर आप जाओगे और चल के आप उसको क्रॉस करोगे और पानी में तैरोगे आप। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देखो और अच्छे से व्यू देखो, बहुत प्यारा व्यू है इसका। ये देखो गाइस कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ पे।
बहुत शानदार पहाड़ देखो भाई, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। यहाँ तो बहुत ऑसम वेदर है। ये देखो दोस्तों, यही वो बोट की मैं जिसकी बात कर रहा था। इसमें देखो आप अंदर जाके अंदर से चलोगे तो ये बोट तैरेगी यहाँ पानी के ऊपर। अच्छी मुझे लगी देखो गुफा के अंदर, देखो एक बहुत प्यारा देखो एक घर सा या इवन एक छोटा सा सुरंग बनी हुई है जिसमें देखो कोई ना कोई रहता होगा। देखो दो देखो ये देखो कितनी दूर से मैंने कैप्चर करी हुई है। ये देखो दोस्तों ये पहाड़ों के अंदर देखो बकरियाँ घूम रही हैं। एक देखो ये रही और एक देखो बिल्कुल ऊपर है वाइट वाली। ओह माय गॉड, ना देखो प्यारा झूला है, भी पानी के अंदर तैरता है और आप इसके अंदर बैठ के आप चलोगे या फिर आप इसको अपना रन करोगे तो ये भी चलेगा और आप पानी में तैरोगे। पर इसको रस्सी से बांधा हुआ है यहाँ से गार्ड ने ताकि ये कहीं दूर ना भाग जाए, और जब इसका झूला पूरा हो जाएगा तो ये खींच लेंगे इसको। यही सब कुछ है, दिखता है बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अच्छा देखो गाइस कैप्चर हो रहा है व्यू। ये देखो कितनी प्यारी वादी है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा और इतनी बहुत लैमिनेटेड व्यू है जिसको बोलते हैं। अब ये देखो बहुत प्यारा व्यू है आजकल। ये देखो लोग घर बसे पड़े हैं, देखो हरियाली में ग्रीन ग्रास, सामने बादल है देखो वो भी बादल आराम कर रहे हैं। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल सीनरी की तरह ये व्यू दिखता है। और ये पेड़ देखो कितने प्यारे पेड़ है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छे पेड़ हैं वाले। देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है। ये हमारी मदर देखो हमें यहाँ इतनी दूर वादियों में लेकर आई है, और थैंक्स फॉर बाबा जी। पहाड़ों में आके ये ठेले पे तो चाय मिलती है ना, इसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। क्यों फिरोज भाई बहुत बढ़िया ना, बहुत बड़ी चाय बनी है। वाह, आप भी आओ तो जरूर पी के ट्राई करना, और जो पी चुका है जिसने मज़ा लिया है वो कमेंट करके बताना मेरे को कि कैसा लगता है। तो अपन लोग आए हैं यहाँ पे मोगा टूरिस्ट ढाबा पे, नैनीताल से दिल्ली आते हुए भूख लगी तो चलो सोचा कि कुछ खाने पीने का ही जुगाड़ किया जाए। बहुत प्यारा हो भाई, रेडी बहुत रखी है पर याद बोल रहे थे आप हैं। दोपहर का टाइम हो गया है, भूख लग रही बहुत जोर की, खाना खाने के फिर हम आए हैं। मिलते हैं आपको आफ्टर लंच, फिर आपको बहुत फैमिली वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिए सीट पर। मिस्सी रोटी खानी है? नहीं नहीं रोटी प्लेन ले यार। जैसा ऑर्डर हो जाएगा वैसे ही लिया, क्योंकि चाउमिन देख रहा मैं खड़ा रहूँगा तो केस 25 मिनट लग जाएंगे। जैसा ऑर्डर हो जाएगा वैसे ही लिया तुरंत भैया। 10 रोटी सिंपल तो टी लवर बहुत टेस्टी चाय है भाई साहब, कसम से। तो ये बना गया है अपना यहाँ का बिल 1190। तो